अब देखिए जी, कई बार तो मन ऐसा होता है कि आज कोई रेसिपी बना भी ना, सच में बता रहा हूँ, क्योंकि जब हालत ऐसी हो, जब आप काम से लौटें और फिर एक रेसिपी बनानी हो, तो फिर लगता है जैसे कि आज तो बस नहीं हो पाने वाला है। बट चूँकि मैंने ये जो 100 डेज़ 100 रेसिपी का चैलेंज, आप सबों के साथ ये चैलेंज लिया है, तो फिर कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा। तो आज कुछ बहुत क्रिटिकल, बहुत कॉम्प्लेक्स डिश नहीं बनाएंगी जी। आज मैं बनाने जा रहा हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, एक बहुत ही यूनिक रेसिपी बनाऊँगा मैं आज, क्योंकि मुझे मैगी भी बहुत पसंद है और मुझे अंडे भी बहुत पसंद है जी। तो आज मैं इन दोनों का की एक जुगलबंदी बनाऊँगा। हालांकि आप सबों ने बहुत सारी जुगलबंदी ये मैगी और अंडे की करी होंगी, बनाई होंगी, बट आज की जुगलबंदी कुछ यूनिक होने वाली है। जैसे कि हम चीज़ ऑमलेट बनाते हैं तो ऑमलेट में चीज़ भर देते हैं, मशरूम ऑमलेट में मशरूम भर देते हैं, बाकी और भी मसाले होते हैं जो मैगी में भर देते हैं। लेकिन जो आज की रेसिपी इसलिए कुछ खास है क्योंकि इसके अंदर हम ऑमलेट के अंदर मैगी भर देंगे जी, और आप देखेंगे कि वो वाकई में बहुत बेहतरीन रेसिपी बन जाएगी। तो चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, एक छोटे से इंट्रो के बाद। चलिए जी, फिर 2 मिनट में अपनी सबसे पहले ये मैगी को बना लेते हैं। सो मैं यहाँ पे 2 गिलास पानी का इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि वो फिर ऑमलेट के अंदर से अच्छे से बाइंड होए और फिर सेट हो जाए। तो जैसे ही पानी बॉईल होता है, हम अपनी मैगी को इसमें ऐड करेंगे, मैगी मसाले को ऐड करेंगे और अपनी टाइट सी मैगी बना के साइड में रख लेंगे। तो लीजिए जी, पानी में उबाल आ चुका है, अब हम ऐड करेंगे अपनी मैगी इसके अंदर और अच्छे से मिला लेंगे इसको इस तरीके से। सो ये गया इसमें मैगी मसाला। एक बार फिर से मिक्स करेंगे अच्छे से, सो दैट मसाले अच्छे से घुल जाएं इसके अंदर। सो मैगी ऑलमोस्ट पक चुकी है हमारी, थोड़ा सा और ड्राई करेंगे और फिर ये ऑमलेट के अंदर भरने के लिए तैयार है। सो जी, मैगी पूरी तरीके से तैयार है। कुछ इस हद तक हम इस मैगी को पकाएंगे, जो कि ठंडी होने के बाद थोड़ी और भी डेंस होएगी। सो चलिए अब अपने इस रेसिपी का दूसरा हिस्सा शुरू करते हैं। तो चलिए फिर अपने मसाले ऑमलेट की हम तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 अंडों का इस्तेमाल किया है, कुछ टमाटर, प्याज और इसके अंदर है धनिया और मिर्च चॉप। So let's start with the mixture. तो चलिए सबसे पहले हम अपना मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लेते हैं इसके ऊपर। एंड द ऑमलेट बैटर नाउ। आप चाहें तो इससे छोटे आकार का पैन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चूँकि एक ये बहुत ही बड़ा नॉनस्टिक पैन है। सो चलिए हम अपने मैगी को इस पे ऐड कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, द फोल्डिंग। तो कुछ इस प्रकार से अपने हाथों का इस्तेमाल करके आप चाहें तो तो लगभग तैयार हो चुकी है हमारी मैगी स्टफ्ड ऑमलेट। इसको मध्यम आंच पे थोड़ी देर पकने देंगे जिससे कि अंडे के अंदर का मॉइस्चर अच्छे से ड्राई आउट हो जाए और फिर आपको एक मिले सेट फॉर्म मैगी ऑमलेट। तो चलिए जी फिर इसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं कुछ इस तरीके से अपने सर्विंग प्लेट पे। सो जी तैयार है तो मैगी ऑमलेट। चलिए फिर आपको एक बार हम दिखा देते हैं इसके अंदर की ये जो पूरी की पूरी स्टफिंग है। तो आप देख सकते हैं किस उम्दा तरीके से ऑमलेट के अंदर ये सारी मैगी स्टफ हो चुकी है। तो आप इसे किसी सॉस, केचप, चिली सॉस के साथ खाएं। और प्लीज़ अगर आप इन दोनों चीज़ों के दीवाने हैं तो फिर इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और हाँ, जाने से पहले चैनल को एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आपके पास मेरे वीडियोस के सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उनको देख सकें। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी फूड ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।